मतलब गुस्सा मत रहा कर, ठीक है? अच्छा राखी बंधवा ली, ये लापरवाही से छोड़ रखी है गाय, इनकी है गाय सामने वाले की। ये जो सफेद शर्ट वाले आदमी थे ना, उनकी गाय है, उन्होंने ऐसे छोड़ रखा था उन्हें। मेरा भी खुद मन करता है कि उनको फांसी की सजा मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए बच्चे रेडी हो गए हैं, परी अभी रेडी नहीं हुई है, परी मेरे को मेहंदी लगाने जा रही है। अभी मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, खुशी तो नहा चुकी है और मैं भी नहा चुकी हूँ। आज मेरा व्रत भी है, सोमवार का लास्ट सोमवार है आज, तो फिर मैं भी चाय पीने जा रही थी, पूजा मैंने कर दी ऊपर, ये देखिए। और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। आज के दिन सभी बहनें बैठी जाती अपने मायके भाइयों को राखी बांधने के लिए। मैं तो नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा मायका बहुत दूर है, पंजाब में है, तो ना तो उधर से कोई अभी आ पाता है, आ पाया है, और ना ही मैं इधर से जा पाई हूँ। तो देखो कैसे मनाती हूँ, मैं वीडियो कॉल वगैरह करूँगी अपने भाइयों को, तो वीडियो कॉल से बांध दूँगी, देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं अब ना कान्हा जी को और गणेश जी को राखी बांधना मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं उन्हीं को बांध देती हूँ राखी, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है मेरा मायका, तो मैं जा नहीं पाती इतनी दूर इस वजह से, या तो वहाँ से कोई आ जाए मुझे लेने के लिए। तो अभी मेरे पापा है नहीं, पापा होते तो पापा ले जाते मुझे, और भाइयों को अभी काम से छुट्टी नहीं मिलती इस वजह से। तो हमारा तो कई सालों से ऐसा ही रक्षाबंधन बनता है, मैं यहीं रहती हूँ, बस बच्चे मना लेते हैं, जतिन के साथ मनाएंगे। तो अभी तो 1:30 बजे मनेगी राखी, कह रहे हैं कि भद्रा काल चल रहा है। अभी हमने घर का काम सारा कर लिया है, नहा धो लिया है, पूजा वूजा सब हो गई है, और बस खाना रह गया है, तो सिवई बनेगी, खीर पूड़ी बनेगी। तो अभी मैं चाय पी के फिर जाऊंगी सिवई बनाने के लिए। तो अभी परी मेरे मेहंदी लगा रही है, देखिए अभी दिखाते हैं आपको मेहंदी कैसे लगाएगी, ठीक है? तो देखो परी लगा रही है मेरे, पहले परी ने ऐसा बनाया फिर नहीं बन पाया, तो अभी गोल चक्कर वाला लगा के दे रही हूँ, पीछे दुकान जो भी होगी। हाँ, खुशी जा रही है अभी मिठाई लेने के लिए, आधा किलो ले आई, जो भी ले आना, ठीक है? तो रसगुल्ले ले आई, जो मर्जी। यार मेरी दुकानें लगी हैं बाहर, ये अभी मैंने जतिन से ये सारा सामान मंगवाया है, तो ये लेकर आया, सिवई है और सारा सामान है। बाहरी बारिश हो रही है, तो ये मिठाई लेकर आ गई खुशी रक्षाबंधन के लिए। क्या लेकर आई है? जिसने बोला क्या बोल रहा था? रसगुल्ले। हाँ ठीक है, तो परी की मनपसंद मिठाई आई हुई है रसगुल्ला, ठीक है? खुशी भीग भी गई बारिश में, अब जा रही है ट्यूशन थोड़ी देर में, ठीक है? तो अभी इतना मैंने खाना बना दिया है, ये सब खाना बन के तैयार हो गया, इधर पूड़ी बन गई है, इधर आलू की सब्जी बन गई है, और इधर सिवई बन गई है, यहाँ पे कचौड़ी, और अभी थोड़ी सी रह गई है बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना टाइम हो गया है और राखी बांधने का, तो मैं अब जा रही हूँ तैयार होने के लिए, फिर उसके बाद में जो जितनी भी बची है कचौड़ी वो मैं बनाऊंगी। मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने साड़ी पहन लिया है, पहन ली है, बहुत सिंपल सा मेकअप किया है मैंने, और मेरी थाली भी तैयार हो गई है, ये देखिए राखी की, और मैं जा रही हूँ राखी करने की। हाँ, पानी को लेने गई है खुशी, राखी करने जा रही कान्हा जी को, और सिवई भी लेकर आना खुशी, सिवई भी चढ़ती है। तो बस अभी मैं इनको बांध देती हूँ, फिर ये दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगे। पहले भी बोला था ना हमने, मैं तो बहुत सिंपल तैयार हो रही हूँ, मुझे तो कहीं जाना नहीं था। अच्छा ये इसमें है ना, इसमें ये रही मेहंदी परी ने लगाई, इधर तो मैंने कुछ नहीं लगाया, इधर ये रही। तो मैं अभी जा रही हूँ टीका करने के लिए, पहले गणेश जी को करते हैं और उन्हें मिठाई खिलाते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन, कोई बात नहीं, वो आशीर्वाद देते हैं ना मुझे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे
छोटी बहन को ना रुलाना भुलाना। कान्हा जी की त्रिकोण सी होगी कोई सी। हाँ ये कर ले रही हूँ। हाथ तो बहुत छोटा है ना, बड़े नहीं ये वाली कान्हा जी नहीं, नहीं ये बनाओ कान्हा जी को, वो कह रहा है मेरे को सेम सेम। हैप्पी रक्षाबंधन। मेरा हाथ से फोन गिरने वाला है। मैंने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया है और बच्चे जा रहे हैं मेरा राखी बांधने के लिए जतिन। पहले खुशी बांधेगी राखी। हल्का कर दिया पूरा, हल्का लगाते हैं। हरदम गुस्सा मत रहा कर, ठीक है? चल बांध, मिठाई खिला दे पहले। चावल लगा दिए, चावल उसने मिक्स कर दिए, अब मिठाई खिला दे, पूरा खिला दे, खा लेगा। सिमई ने खिला दे, थोड़ी ले टिप टपक जाएगी आराम से। पानी पिला दे। कुछ नहीं होता, मैं नहीं, आराम से खाओ आराम से। तू पकड़ लिया करना गिलास अपने हाथ से, जितना पानी पीना उतना पी लिया कर। अब राखी बांध दे। कौन सी बांधनी है दिखाई, कौन सी? वही है सेम टू सेम, वैसे ही दोनों अलग अलग है। अच्छा, नहीं कान्हा जी की गणेश की भी मैं ऐसे ही लेकर आई थी ना, चार स्पेशल। चल आगे बांधते हैं, सीधे हाथ में, सीधे हाथ में बांधते हैं। गाओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी परी कह दो, मैं तो छोटी खुद हूँ, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे, ऐसे गा दो। पैर छू ले, आशीर्वाद दे, अब देगा पैसे। ये मेरी भांजी देखो अच्छी है, आज तो बहुत पैसे लेकर आया ये, मेरे हैं खुद के कमाई के। अच्छा आप परी तुम कर दो, आ उधर उधर ही चले जाओ, उधर ही बैठ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले टीका करो भाई को ऐसे, यहाँ के भी बोल रहे हैं। आराम से करो, आराम से आराम, हल्दी का भी कर दो, लगा हुआ है ना पहले से, ऐसे हल्दी का भी कर दो। अब मिठाई खिला दो, लगा मिठाई खिला दो, पूरा खिला दो ऐसे। अब सिमाई थोड़ी सी खिला दो, दूध ना तो सिमाई दे दो थोड़ा सा आराम से। अब पानी पिला दो। परी बहुत छोटी सी थी तब भी राखी बांधती थी है ना, अब राखी बांध दो। और तुम्हें भी प्यास लग गई? अच्छा चलो अब राखी बांध दो। ये क्या करा लिया? तो भी करा लिया आपने। बांध बांध, सही से रखो।
बंद भी नहीं रही थी। नाम क्या होता है? आखी तो आए थे। अरे अपना मुंह हाथ धो के अब गाना नहीं गाया परी। परी अरे कितनी गांठ लगाएगी, आराम से पैर छू ले। आशीर्वाद तो दिया करो, गिफ्ट पहले से आशीर्वाद नहीं देती है तो आशीर्वाद तो दे दे। अब गिफ्ट मिले तो छुपा के रखा है, मैं गिर गया छुपाने के चक्कर गिराई दिया। ओह क्या दिया है, क्या चीज? दिखाओ खोल के, दिखाओ खोल के, दिखाओ क्या है? भाई गिफ्ट लिया, गिफ्ट लिया, गिफ्ट लिया। खोल के दिखाओ, चलो खा लो। ए खीर पूड़ी खाएगी ना तो पहले काना को दे दो, काना को दे दे। ओहो इधर तो बहुत सारा माल मिला। ओए गायब है। अरे अरे भी गायब। नहीं नहीं हाथ में, इसे फ्रिज में रखा हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था। मेल्ट हो गई सारी, सब मेल्ट हो गई हैं। जाओ फ्रिज में, जाओ फ्रिज में रख कर आओ। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। और एक साथ मत खाना, भाई को भी देना इसमें से, ठीक है? हाँ भाई को भी मिलेगी। फ्रेंड अभी राखी हो गई है, सेलिब्रेट, सबने बांध दी है राखी, बस खुशी अपने पापा को बांधेगी और अभी खाना खाने जा रही है। उसे बहुत तेज़ की भूख लगी क्योंकि व्रत रखा था उसने, और मेरा तो आज व्रत है, मैं तो कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। अभी मेरी नंदे नहीं आई है, देखते हैं कितनी देर में आती है। कचौड़ी है? अरे इतना लंबा क्यों लगा दिया? छोटा लगाते हैं। मिठाई खिलाओ। गिफ्ट्स के लिए ही तो मांग बांधती हो। ओहो अंदर बैठो, पकड़ो तुम गिलास। क्या कह रही थी? तभी बांध रही थी पैसों के लिए। अच्छा अभी गिफ्ट मिला है। टी का बहुत बड़ा कर दिया है। जिसे मैं डीमन बना पाई। राखी बांध दे। चलो अब एक ही गाड़ी आ गई ना, गाड़ी बंद करो। चलो तुम दोनों गाड़ी पर ही खुशी जा रही है, गाड़ी को राखी बांधने के लिए। गाड़ी कहाँ खड़ी है? उधर होगी, उधर जाना पड़ेगा। नई वाली में बांध देने, एक इसमें बांध दे, एक जना इसमें बांध दो और एक जना उसमें बांध दो। मैं भी सेब खाने जा रही हूँ, मेरा व्रत है ना, इस वजह से खाना तो मैं कुछ खा नहीं सकती, तो कल ही खाऊंगी, तो अभी मैं सेब खा लेती हूँ। और क्या, लापरवाही से छोड़ रखी है गाय, इनकी है गाय, सामने वालों की, सफेद शर्ट वालों की। इनकी यही है गाय, और देख कैसे छोड़ रखी गाय ने, भी ब्याही है ये। हाँ गर्मी हो जाती है, सही सही है, कमजोरी आ जाती है ना उसको एकदम से, इस वजह से। चलो आओ बच्चों, आओ चलो।
फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी ना, वो गाय ने बच्चा दिया हुआ है। ये जो सफेद शर्ट वाले आदमी थे ना, उनकी गाय है, उन्होंने ऐसे ही छोड़ रखा था। उन्हें मालूम है कि उनकी गाय का बच्चा होने वाला है, तो उन्हें बांध के रखना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, उसकी केयर होती है जैसे बच्चा होता है। अब वो लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सब मना कर रहे हैं कि ऐसे कैसे लेके जा सकते हो तुम। तुम्हें तो पता था ना कि गाय के बच्चा होने वाला, तो तुमने क्यों छोड़ा ऐसे करके। तो अभी हम लोग इधर से निकल रहे थे तो हमने देखा था कि गाय को बच्चा होने वाला है, वो हो भी गया है, सही है, लेकिन फिर भी एकदम से तुरंत डॉक्टर की मदद चाहिए होती है। अब वो आए हैं तो अभी थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह चल रहा है, तो कह रहे हैं हम लेकर आते हैं कुछ साधन जिससे गाय को अपने घर लेके जाएंगे। तो ये बहुत गलत बात है, अगर आपने गाय पाली है तो आप अपने घर पे रखो उसको, ऐसे नहीं छोड़ के आना चाहिए। मैं अभी हाँप गई, मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ, फिर देख कर आई थी मैं। बाकी गुड़ वगैरह हमने खिला दिया है उसको, तुरंत गुड़ देते हैं, दलिया वगैरह गुड़ का बना के देते हैं। अभी गुड़ देकर आए हैं, अभी उनके और भी लोग जो होंगे घर वाले तो वो आएंगे, तो फिर देखो उसके साथ क्या केयर वगैरह करेंगे उसकी। और डॉक्टर भी आने वाले हैं अभी। अच्छा, राखी बंधवा ली? अच्छा, तो फिर हम रात को बनेगा, जल्दी पहुंच जाइए क्योंकि 9:30 तक ही टाइम है। फिर 9 पता नहीं 9:30 तक का ही टाइम है, तो जल्दी पहुंच जाइए और फिर पता लगे। हाँ, अब मेरे फ्रेंड्स को सबको हाय बोल दे, मैं तेरी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। मैंने बोला था मैं वीडियो कॉल पे बात कर लूंगी अपने भाई से। हाँ, फिर रक्षाबंधन सभी को है ना। हाँ, पंजाब में बैठा हुआ है मेरा भाई। ये रही परी, ये तो आज पैसे उड़ाव उड़ाव लगी पड़ी है, आज मिल गए ना बहुत सारे पैसे, सुबह से चीज खा रही है। भाई ने तुम्हें कुछ नहीं भेजा? मैं क्या भेजेगा, मेरा भाई बहुत सारी रकम भेज देगा, कोई बात नहीं, बस बात हो जाए बहुत है, और क्या। हाँ, बड़ा वाला चॉकलेट का डब्बा दिया है। चल ठीक है, फिर मैं बाद में करूंगी रात में, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चल बाय बाय। फ्रेंड्स अब ना मैं वीडियो का यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। ये बाजार चले गए हैं और अभी मेरी नंदे अभी आई नहीं, शायद रात में आएंगे। तो बहुत आती हैं हर बार, वो हर बार रात को ही आ पाती हैं, बाजार चले जाते हैं ना, फिर सुबह को जल्दीबाजी में हो नहीं पाती। हाँ, तो इसीलिए रात में ही आएंगी, तो तभी देखो अगर रिकॉर्ड हो पाई वीडियो तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, नहीं तो शायद छूट जाएगी, क्योंकि वीडियो अभी मैं एडिट करने जा रही हूँ और अपलोड भी करूंगी। आज रक्षाबंधन है इसीलिए, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हाँ, और बस यहीं पे मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। और एक दुख की बात भी, ऐसे की आत्मा को शांति मिले, और उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कोलकाता में हुआ है अभी केस, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है, क्योंकि जो लोग अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा ही मिले, सबका यही है। मेरा भी खुद मन करता है कि उनको फांसी की सजा मिले, उनके पेरेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए, बहुत गलत किया जो उन्होंने किया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जो कोलकाता का हादसा हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि कोई भी लेडीज सेफ नहीं है, वो इतनी पढ़ी लिखी होके भी उनके साथ ऐसा हो गया। हम तो वैसे भी इतने नॉर्मल हाउस वाइफ या बच्चे जो स्कूल वगैरह जाते हैं उनके लिए भी एक लगता है टेंशन भरे दिन रहता होगा, कहीं कुछ ऐसी बात ना हो जाए। दिल्ली मुंबई हर जगह जहाँ है जो डॉक्टर लोग रैली वगैरह सब निकाले, कैंडल मार्च कर रहे हैं वहाँ पे, तो यही है सबसे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जो डॉक्टर ट्रेन डॉक्टर थे, जहाँ कहीं भी हों अच्छे से हों। वैसे बहुत बुरा हुआ उनके पेरेंट्स के साथ जो भी था, बहुत दुखद घटना थी। ठीक है, बाय बाय।